हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, गर्मियों में कच्चे आम का यह नाश्ता आपको बहुत पसंद आने वाला है। गारंटी है फ्रेंड्स कि कच्चे आम का यह नाश्ता एक बार बनाएंगे तो पूरी गर्मी इसका आनंद लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस नाश्ते को कैसे बनाना है देख लेते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैंने यहाँ लिया है, ये कच्चे आम है, बिल्कुल एकदम ताजे आम है। मैं पेड़ से अभी इसको तोड़ी थी रेसिपी बनाने के लिए। फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा खट्टे आम नहीं है, आप कलर से ही देख पा रहे होंगे कि ये बहुत खट्टे नहीं है, थोड़े से मीठे वाले आम है। तो हमें बहुत ज़्यादा खट्टे आम की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा मीठे आम की ज़रूरत है। तो सारे आम का मैं नहीं बनाऊंगी, इसमें से चार आम मैं निकालूंगी। आपको जितना बनाना हो उस हिसाब से आप आम की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बाकी मैं साइड में रख देती हूँ, इससे मैं अलग रेसिपी बनाऊंगी। तो यहाँ मैंने चार आम ले लिया है और इसको इसका छिलका अच्छे से रिमूव कर लेना है, जितना ग्रीन वाला पार्ट है उसको अच्छे से रिमूव करना है। फ्रेंड्स, ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होगी, आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही टेस्टी बन के ये तैयार होता है। तो सारे छिलकों को ऐसे ही निकाल देना है आम से। ये कच्ची कैरी का सीज़न चल रहा है तो आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। तो ऐसे ही छील लेती हूँ मैं। तो मैंने आम को अच्छे से छील लिया, अब इसको एक नाइफ़ की हेल्प से कट कर लेना है और बीच में जो इसका ये वाला बीज वाला पार्ट है इसको निकाल देना है। अभी ये बहुत टाइट नहीं हुआ, बहुत सॉफ्ट है, देखिए आराम से निकल जा रहा है। अगर जो टाइट है तो भी निकाल देना है, तो इसको ऐसे निकाल देना है और इसको अब छोटे छोटे क्यूब में कट कर लेना है। ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट, अभी ये कच्ची कैरी है, इसमें बीज बिल्कुल टाइट नहीं हुआ है। तो ऐसे क्यूब में मैं कट कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको मैंने कट कर लिया। अगर जो आप क्यूब में नहीं कट करना चाहते हैं तो स्लाइस में भी कट कर सकते हैं। ऐसे क्यूब में कट करने से ये होगा कि जब हम इसको बॉयल करेंगे तो थोड़ा इसका खट्टापन और अच्छे से निकल जाएगा। तो यहाँ मैंने एक छोटे से भगोने में डाल दिया है और यहाँ मैंने दो सूखे लाल मिर्च लिए हैं, इसको भी तोड़ के डाल दूँगी और इसमें मैं आधा ग्लास पानी ऐड कर दूँगी और इसको गैस पर रख के बॉयल करूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हमारी कैरी अच्छे से बॉयल हो गई है, इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो अब मैं गैस का फ्लेम बंद कर दूँगी और इसको थोड़ी देर ठंडा होने देती हूँ। तो अब हमारी कैरी बिल्कुल ठंडी हो गई है, अब इसको मैं पानी से एक कलछी की हेल्प से निकाल लूँगी। ध्यान रहे फ्रेंड्स, हमें पानी नहीं ऐड करना है, सिर्फ कैरी को ही निकाल के एक मिक्सर जार में डाल देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब ठंडा हो गया, एक दबा के भी दिखा देती हूँ कितना अच्छे से ये कुक हो गया है। तो इसमें मैं अब ऐड कर दूँगी, ये मैंने लहसुन छील के रखा है, ये छोटे दाना का है, ये 15 से 20 दाना है, मैं इसको भी ऐड कर दूँगी। और यहाँ और मसाले मैं बाद में ऐड करूँगी, पहले मैं इसको पीस लेती हूँ। फ्रेंड्स, मैं पानी नहीं ऐसे ही इसको पीसूँगी, पानी नहीं ऐड करूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको एकदम बारीक पीस लिया है। ये मैंने तीखी वाली मिर्च ली थी, इसीलिए दो मिर्च ऐड किया था। आप जो आप तीखा कम पसंद करते हैं तो इसमें मिर्च को अवॉइड कर सकते हैं। मैंने यहाँ चार मीडियम साइज़ के आलू ले लिए हैं, ये मीडियम से भी थोड़ा सा और छोटा है। तो इसको बॉयल करके लिया है, तो यहाँ मैं एक बाउल लूँगी और यहाँ इसको मैं कद्दूकस कर लूँगी, क्योंकि हमें बहुत फाइन इसका चाहिए पेस्ट, तो कद्दूकस से ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इसको कद्दूकस कर लेना है एक एक करके। और देखिए, तो हमने यहाँ कद्दूकस सारा आलू कर लिया। मैंने यहाँ ये एक कप बेसन लिया है, ये चने का बेसन है, इसको भी मैं ऐड कर दूँगी इसमें। और अब मैं एक छन्नी लूँगी और इसमें जो मैंने पीस के रखा है कैरी को, इसको डाल देना है, क्योंकि हमें इसको छानना बहुत ज़रूरी है। इसको छान लेना अच्छे से, क्योंकि थोड़े मोड़े इसमें चंक्स बच जाते हैं मैंगो के, या तो इसमें जो मिर्च मैंने ऐड किया है इसके, तो छान लेते हैं तो अच्छे से हमें फाइन पेस्ट मिल जाता है। एक स्पून की हेल्प से अच्छे से हिलाते हुए इसको छान लेना। तो मैंने अब इसको छान लिया, आप देख पा रहे होंगे कि इसमें कितने सारे चंक्स निकले हैं। तो अच्छे से इसको छन्नी भी क्लीन कर लेना है नीचे से।
फ्रेंड्स इसको फेंकना नहीं है, आप चाहें तो इसकी चटनी बना के खा सकते हैं, या तो इसको कद्दू की सब्जी में डाल के बना के खा सकते हैं, तो इसको ऐसे ही सुखा के आप रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। इसमें मैं आधा टीस्पून ये काला नमक ऐड कर दूंगी और आधा टीस्पून मैं ये प्लेन नमक जो रेगुलर नमक होता है वो मैं ऐड कर दूंगी। और यहाँ मैंने ये जीरा, भुना हुआ जीरा पाउडर लिया है, इसको भी ऐड कर दूंगी, ये एक चम्मच हमने लिया है। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, हमें एकदम सॉफ्ट डो बना के तैयार करना है। तो अब हमने एक सॉफ्ट डो बना के इसका तैयार कर लिया, ये देखिए। अब मैं इसको साइड में रखूंगी। मैंने यहाँ सेव मशीन ले लिया है, इसको तेल से अच्छे से ग्रीस कर ताकि हमारा जो डो है वो इसमें चिपके नहीं, अच्छे से ग्रीस कर लेना है फ्रेंड्स। तो यहाँ मैंने ग्रीस कर लिया और आप देख पा रहे होंगे कि मैंने कौन सी जाली इसमें लगाई है। आप जो जाली लगाना इसमें चाहते हैं वो लगा सकते हैं, अपने पसंद से आप डिज़ाइन बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ ये वाली जाली लगा ली है और मैं अब हाथों में भी तेल लगा लेती हूँ। देखिए कितने अच्छे से तेल लगा लिया। और इसको साइड में रख के डो को अच्छे से हाथ में इसको उठाना है ताकि ये हमारे हाथ में चिपके नहीं। थोड़ा सा ये डो गीला हुआ है, आपको लगे कि ज़्यादा गीला हो रहा है तो आप इसमें 2 चम्मच बेसन और ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं कुछ नहीं, ऐसे ही मैं यूज करूँगी इसको। तो हाथों में ऐसे इसको थोड़ा सा लंबा कर लेना है ताकि इसमें हम आराम से फील कर सकें, और इसको आराम से इसमें डाल देना है। ये देखिए, और इस पर अब ये लीड को लगा के टाइटली कस लेना है। मैंने यहाँ गैस पर पैन चढ़ा लिया है और इसमें तेल भी डाल दिया, रिफाइंड तेल मैंने यूज किया है। आप चाहें तो यहाँ घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको अच्छे से गर्म कर लिया है, तो अब इसमें ऐसे घुमाते हुए सेब जैसे इसको बना लेना है। ये देखिए बहुत आराम से ये बन जाएगा, बस गोल गोल इसमें घुमाते जाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके झाग थोड़े कम हो गए क्योंकि ये अच्छे से कुक होने लगा है। और अभी इसको टर्न नहीं करना है, जब एक साइड से ये अच्छे से सिक जाएगा तब मैं इसको टर्न कर दूंगी। इसको हमें फुल फ्लेम पे ही अच्छे से फ्राई करना है। अब इसको पलट लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अब मैंने इसको टर्न कर लिया और अब ये दोनों साइड से अच्छे से सिक गया है, तो इसको मैं निकाल लेती हूँ और दूसरे बैच को भी ऐसे ही बनाते हुए सेक लेना है। और सेम उसी प्रोसेस से इसको भी पलट लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हमने सारे सेब को फ्राई कर लिया और बहुत ही ये क्रंची बना है। और थोड़ा सा लास्ट में जो बचा था उसको मैंने और पतला कर लिया है और मैं इसका क्रंचीनेस सुना रही हूँ, बहुत ही क्रंची है ये, आप सुन पा रहे होंगे इसमें ही ये देखिए बहुत ही क्रंची बन के तैयार हुआ है। ये देखिए, आपको ये आलू भुजिया कच्ची कैरी का बहुत ही पसंद आएगा, आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। फ्रेंड्स सबसे पहले मैं इसका क्रंचीनेस दिखा देती हूँ, देखिए कितना बढ़िया इसमें क्रंचीपन है, बहुत ही लाजवाब ये हमारी रेसिपी बन के तैयार हुई है। और ये थोड़ा सा डार्क कलर है क्योंकि हमने इसमें आलू और लाल मिर्च डाला था, इस वजह से इसका कलर थोड़ा सा रेड है। फ्रेंड्स अगर जो मेरी ये कच्ची कैरी की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।